मेरा नाम है पृथ्वीराज और वेलकम टू माय ऑल न्यू चैनल फन अरेना। तो इससे पहले हम कंटिन्यू करें तो मैं आपको बता दूं कि हर वीडियो के पहले हम हमारा एजेंडा सेट करते हैं। तो देखिए हमारा एजेंडा क्या होगा। तो आपने एजेंडा अच्छे से देख लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले वीडियो में होता है मेरा इंट्रोडक्शन। तो आपको बताया कि मेरा नाम है पृथ्वीराज और मैं आपको और फिर हमारा होता है फन। तो हम फन की तरफ बढ़ने ही वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं फन में हम एग्जाम्पल है फन के, जैसे कि हम लेते हैं इसमें अनबॉक्सिंग और गेम प्ले में भी आ सकता है कोई वीडियो गेम प्ले का भी, और आर्ट एंड क्राफ्ट। तो आज का टॉपिक है आर्ट एंड क्राफ्ट। तो आज हम बनाने वाले हैं आज हम बनाने वाले हैं एक मैग्नेटिक कंपास। तो कई लोगों के घर में मैग्नेटिक कंपास तो हो ही सकता है, लेकिन कुछ लोगों के घर में नहीं होता। तो देख लीजिए मैग्नेटिक कंपास कैसा दिखता है। तो आपने देख लिया होगा कि मैग्नेटिक कंपास कैसा दिखता है। तो वो एक राउंड राउंड मैग्नेटिकल डिवाइस होता है जो हमें डायरेक्शंस बताता है, जैसे कि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, कुछ भी हो वो हमें डायरेक्शंस तो बताता ही है। हम जैसे कि आजकल लोग बहुत ही ज्यादा एडवेंचर पर जाने लगे, राइट? एडवेंचर पर जाते हैं लोग कुछ भी, लेकिन ये लॉकडाउन वगैरह सब कुछ हो चुका है इसलिए तो मे भी नहीं जाते होंगे। लेकिन अगर कुछ जाते हैं एडवेंचर्स के लिए और उनके पास एक कंपास नहीं होती, मैप भी नहीं होता, मैप से थोड़ा सा तो अंदाजा आ जाता है लेकिन नहीं, उनके पास कुछ नहीं है और अचानक से वो घूम जाते हैं, उनके मन में एकदम खलबली मच जाती है, एकदम बॉम्ब फूट जाता है उनके मन में। रुको, अभी तक बॉम्ब क्यों नहीं फूटा? फूट जाएगा अभी। फूट देखो मैग्नेट देखा देखा आपने, बॉम्ब फूट गया ना। आपके भी मन में अगर आप घूम जाते हो तो आपका दिमाग फूट जाता है। तो आपको अगर बताओगे कि आपका घर किस डायरेक्शन में, ये तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है आपको आपको बताना। लेकिन वो डायरेक्शन एक्चुअली है कहाँ, अब तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। अब आपके पास बहुत छोटी छोटी चीजें होनी चाहिए इसके लिए। हर लोग अपने साथ एक पॉकेट में एक मैग्नेट तो रखते ही होंगे, अगर नहीं रखते तो प्लीज रखते जाइए। एक थ्रेड वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं। वैसे भी हमें ज़्यादा डिज़ाइनिंग करनी तो है नहीं, लेकिन मैं डिज़ाइनिंग करूँगा ज़रा सा, क्योंकि मतलब ज़रूरत होती है सॉरी। तो अर्थ आपको बताए कुछ ऐसी गोल होती है एकदम, और उसके मैग्नेटिक फील्ड्स होती है कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत ज़्यादा उलझी हुई लगती है वो। देखिए कैसे दिखती है। तो आपने देख लिया होगा कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसी लगती है। आपको लग रहा होगा कि मैंने आपको बस एक ऊन का गोला दिखा दिया है जिससे ऐसे बहुत सारे ऊन निकल गए, एकदम उलझे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यही है रियल ग्रेविटेशनल सॉरी सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की। तो अब हमें देखना होगा कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे फॉर्म होती है। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक्चुअली है क्या, और वो किस किस वजह से फॉर्म हुए हैं। तो देख लीजिए तो देखते हैं हम। तो आपको बताइएगा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपने तो देख ही लिया है अभी। तो फिर मैं बताता हूँ, जो अर्थ के लेयर्स होते हैं बहुत सारे, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, बहुत सारे होते हैं, और मतलब मेनली चार होते हैं, और बाकी के अपर मोस्ट मेंटल वगैरह सब कुछ होता है मिलकर। तो जो मेंटल होता है, अब देखिए मेंटल कैसा दिखता है। एक्चुअली पिक्चर एकदम उलझी हुई है, लेकिन मैंने पॉइंट कर कर आपको बता दिया है कि कौन सा है मेंटल। एक एरो आप पे दिखेगा आपको, वो ही है मेंटल, ठीक है।
देखिए, तो देखा आपने कैसा एक ऐसी थिक लेयर होती है, वो लावा की होती है लेयर एकदम। तो और जैसे जैसे कि घूमती है अपनी एक्सिस पर, तो वो मेंटल भी घूमते हैं, और उसके पार्टिकल्स जो होते हैं उसके अंदर के, वो एकदम ऐसा टकराते, जोर से टकराते एक दूसरे से, और इतना ज्यादा हाई फ्रिक्शन होता है उनमें उनमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्म हो जाता है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, आपको पता होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वहाँ पे फॉर श्योर मैग्नेटिक फील्ड होती ही होती है। इसे हम कहते हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, तो उसके ऊपर हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको मैं एक मेन बात मेन बात बोलना भूल ही गया कि हम एक नया चैनल भी शुरू करने वाले हैं जल्द ही। अगर मुझे इस वीडियो को 20 सब्सक्राइबर्स, सिर्फ 20 सब्सक्राइबर्स आ गए, तो मैं एक नया चैनल शुरू करूंगा जिसका नाम है फैक्ट सरेना। और उसमें हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम बहुत डीपली डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और उसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स बताएंगे हम। तो ठीक है, 20 सब्सक्राइबर्स मुझे मिल जाने चाहिए, फिर आप जितनी चाहे उतनी वीडियोज़ में बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है, और मुझे भी पैसा भी मिलेगा, पैसा पैसा, ठीक है। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी, अब हम शुरू करते हैं हमारा कंपस बनाना। तो चलो हम कंपस कंपस शुरू करते हैं बनाना। तो कंपस बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक मैग्नेट का छोटा सा पीस चाहिए होगा, जहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे साउथ साउथ पोल दिखाया होगा, कुछ ऐसे सॉरी ब्लू कलर में आपको साउथ पोल दिखाया होगा, और रेड कलर में आपको नॉर्थ पोल दिखाया होगा। तो ये मैग्नेट एक्चुअली मेरे पास एक रिंग मैग्नेट हुआ करता था, एक्चुअली वो मुझसे एक बार गिर गया था, तो उसका ही एक पीस है ये वाला मैग्नेट। तो ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है, ऐसा ये मैग्नेट है, ठीक है। तो मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ स्पेशली, ठीक है। तो और उसके बाद आपको चाहिए होंगे कुछ स्टेपलर पिंस चाहिए होंगे। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपके पास ये वाला मैग्नेट नहीं है, टूटा फूटा वाला, तो आप एक बार मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं इसके, क्योंकि बार मैग्नेट भी इसी मैग्नेट की जैसे काम करता है। कुछ डिफरेंस नहीं उन दोनों में। तो ठीक है, इतना हो गया। और आपको चाहिए होंगे कुछ स्टेपलर पिंस। ये स्टेपलर पिंस होते हैं, इसे हम लगाते हैं हमारे स्टेपलर में। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पिंस के बंडल्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक दो बंडल। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए कुछ ऐसे बंडल्स होते हैं पिंस के, ऐसे मिल जाते हैं हमें। तो हमें ये भी चाहिए होंगे, और बस हमें चाहिए एक थ्रेड चाहिए। मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए बस एक छोटा ही थ्रेड लिया, लेकिन आप बड़ा भी ले सकते हैं थ्रेड, ठीक है। अब पहली स्टेप की ओर बढ़ते हैं हम। ये जो मैग्नेट है ना, इसको हम कुछ ऐसे रखेंगे एकदम इस पोजीशन में, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं, मैंने ऐसे ही रखा है, ठीक है। और मुझे इसको एक थ्रेड टाई करना होगा, कुछ मैंने ऐसे यहाँ पे बांधूंगा, और ऐसे मुझे पकड़ने को हो ऐसा ऐसा मैं इसे बांध दूंगा। तो मैंने ऑलरेडी एक दूसरे मैग्नेट को ऐसा बांध लिया है, लेकिन वो मैग्नेट भी सेम ही है, आप देख सकते हैं। तो मैंने कहाँ पे तो भी पढ़ा था कि अगर आप मैग्नेट को ऐसे ही लीव कर देते हो थ्रेड थ्रेड पर, तो वो एक्चुअली अलाइन हो जाता है अपने अपने डायरेक्शन में, तो साउथ साउथ को चला जाता है, नॉर्थ नॉर्थ को चला जाता है, ठीक है। तो हमने एकदम ऐसे, मैं ऐसे ऐसे लीव कर दूँ एकदम ऐसे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये अलाइन धीरे धीरे हो जाएगा। तो मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा जब तक ये अलाइन हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, तब तक आप मजा लीजिए वेरी कूल म्यूजिक का। ओके गाइस, तो ये अलाइन हो चुका है एकदम मस्त वाला, एकदम मैंने यहाँ पे सॉरी एकदम
मैं इसे एकदम सेंटर पे लगा दूंगा, मिसअलाइन हो गया था ये। ओके ये देख सकते हैं आप, अब ये साउथ साउथ की तरफ फेस कर रही है। मैं आपको मैंने मोबाइल में कंपस नाम का ऐप था, तो उसमें देखिए कि साउथ किस तरफ फेस कर रही है। देखिए तो देखा आपने ना, साउथ यहाँ पे फेस कर रही है, यानी मेरे ठीक सामने फेस कर रही है, यानी आपकी तरफ फेस कर रही है, और नॉर्थ फेस कर रही है मेरे पीछे, यहाँ पे डायरेक्टली पीछे, मेरे हाथ नहीं दिख रहा, ओके यहाँ पे फेस कर रही है मेरे पीछे। तो कुछ ऐसा मेरे मैग्नेट ने मुझे बताया है। तो ठीक है, ये स्टेप तो हमारी कंप्लीट हो गई, और मैंने यहाँ पे एक टेप भी लगा दी है, डबल साइडेड टेप मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा दी है, ताकि मतलब मुझे इसे होल्डिंग में परेशानी बिल्कुल ना हो, तो मैंने इसलिए ऐसा लगा दिया, क्योंकि तो बार बार मुझसे ये थ्रेड थ्रेड छूट सकता है इसलिए। तो ये हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे, और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमें ज़रूरत पड़ेगी इन स्टेपलर पिंस की। तो आप स्टेपलर पिंस आप पूछोगे कि क्यों, तो ये देखिए यहाँ पे आपको ऐसे चार स्टेपलर पिंस ले लेने हैं, ऐसे ये चार स्टेपलर पिंस के यहाँ पे बंडल मैंने यहाँ पे ले लिया, एक दो तीन और ये चार, मैंने चार बंडल्स ले लिए है। तो मैंने दो बंडल्स को जरा सा छोटा कर लिया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़े थे, ठीक है, और दो तो ठीक है। तो अब हमें इनको कलर कर लेना है, तो हमें नॉर्थ को दर्शाने के लिए इस पिन को मैंने रेड कलर कर दिया। ये देखिए आप जरा सा दिख रहा है, मैंने मतलब इतना भी ज्यादा नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन मैंने इसे रेड कलर कर दिया। उसके बाद मैंने और एक पिन को साउथ दर्शाने के लिए मैंने इसे ब्लू कलर कर दिया, ठीक है, और मैंने ईस्ट दर्शाने के लिए, अब देखो जैसे जैसे मैं आगे आगे बढ़ता चलूंगा, मतलब इन पिंस को मैग्नेट से कनेक्ट करूंगा, तो ऑटोमेटिकली दो पोल्स फॉर्म हो जाएंगे, और दो पोल्स जो है ईस्ट और वेस्ट, तो ईस्ट और वेस्ट पोल्स फॉर्म फॉर श्योर हो जाएंगे, मुझे इतना अंदाजा है। ठीक है, मैंने इसे येलो कलर कर दिया है, क्योंकि सनराइज होता है इसलिए येलो कलर कर दिया मैंने, मतलब कुछ भी टाइम पास, मतलब और नाइट को दर्शाने के लिए यानी वेस्ट को दर्शाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर कर दिया है, क्योंकि वेस्ट में डार्क होने लगता है, अंधेरा होने लगता है जैसे जैसे सन नीचे नीचे चला जाता है वेस्ट में, तो होने लगता है अंधेरा अंधेरा होने लगता है। तो ठीक है, हमने ये मैग्नेट ले लिया है मैं अपने हाथों में, और एकदम कूल लग रहा है ये मेरे हाथों में। ओके नहीं लग रहा बीड़ो, आप उनका चश्मा बहुत बहुत अच्छा है, देखो मेरा चश्मा है ना, मस्त है ना, ठीक है ना। चलो अब ये है मैग्नेट, तो अब मैग्नेट की जो होती है ब्लू वाली साइड, मैं आपको ब्लू वाली साइड दिखा रहा हूँ ना, हाँ ब्लू वाली साइड है, तो हमें उसको चिपका देना है, एक ब्लू मतलब एक नहीं, ब्लू पिन हमने जो ब्लू स्टेपलर पिन जो हमने बनाई थी उसे कुछ मैं इस तरीके से चिपका दूंगा। वैसे अगर आपको कुछ एडहेसिव यूज करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मतलब बहुत बार निकल जाता है, लेकिन मैं यूज नहीं कर रहा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स से तो ये चिपक ही जाएगा वैसे भी, क्योंकि ये स्टेपलर पिंस आयरन के बने होते हैं ना, इसलिए आयरन कोबाल्ट निकल आयरन के बने होते हैं मुझे लगता है। हाँ मैं बता दूँ, तीन मेटालिक मेटल्स होते हैं, मेटालिक मेटल्स सॉरी, तीन मैग्नेटिक मेटल्स होते हैं, जो होते हैं आयरन, निकल और कोबाल्ट। निकल को हम निक भी बोलते हैं बहुत बार, ठीक है, मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्लू पर ब्लू लगा दिया है, और अब हम लगाएंगे रेड रेड वाली साइड पर, यानी नॉर्थ वाली साइड पर, नॉर्थ वाली पेन यानी रेड वाली पेन, मैं यहाँ पे धीरे से एकदम लगा रहा हूँ,
ओके तो हमारा मैग्नेट मोस्टली सॉरी मैग्नेट नहीं, हमारा कंपास लगभग तैयार हो चुका है। अब ये दिख रहा है एक बार मैग्नेट की तरह, तो इसलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप बार मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं इस काम के लिए। तो ठीक है, पावर बैंक चार्ज हो रही है ना? हाँ ओके, कुछ सॉरी ये कुछ मैंने इस तरीके से लापरवाही बरती। ओ मैन ओ मैन ओ मैन। ओके तो ये अब लोकेशन आइडेंटिफिकेशन कर रही है। तो अब मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि ये जल्दी से हो जाए आपके लिए, ये मेरे लिए तो उतने चलो हो रहा ही है धीरे धीरे। तो बहुत देर से नहीं हो रहा है, तो मुझे मैं इरिटेट हो चुका हूँ अब, मुझ में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रहा अब। तो अब मैंने इसे एकदम स्टॉप कर लिया है, और मुझे लगा था कि ये बता रहा है कि ये साउथ साइड होगी, क्योंकि ये साउथ साइड को आकर ज़रा सा कूल होने लगा था, तो मैंने इसे एकदम साउथ साइड की तरफ फेस कर दिया है। इसका इसका ब्लू वाला पार्ट एकदम साउथ की तरफ फेस कर दिया है मैंने, ये साउथ है मेरे सामने वाली। छोड़ दूंगा मैग्नेट। ओके ये एकदम सेटल हो चुका है, आप देख सकते हैं एकदम फट से एकदम सेटल हो चुका है ये। एकदम ओपी वाला कंपास है यार ये, एकदम वर्क कर रहा है बहुत अच्छा। रियली इट्स वर्क्स नाइस, बहुत अच्छा है। दिख रहा है एकदम फेस कर रहा है, बराबर फेस कर रहा है। और आप कंपास में भी देख लीजिए, अगर आपके पास कंपास नहीं होगी घर में, अगर आपके पास होगी कंपस घर में तो उससे भी देख लीजिए, या फिर कंपस का ऐप भी होता है आपके, सॉफ्टवेयर भी होता है उसमें भी देख लीजिए। ये देखिए साउथ की तरफ फेस कर रहा है ये। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि ये होती है साउथ, ये होती है नॉर्थ। तो नॉर्थ और साउथ आपको ध्यान में रखना होगा, ध्यान में तो आपको रखने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरी कंपस आपकी मदद करेगी, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि ईस्ट कौन सी है और वेस्ट कौन सी है। तो अब मेरे घर का रास्ता आपको मैं क्या बताऊँ, कितना कंफ्यूजिंग है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत भूल भुलैया का सामना करना पड़ता है हमें। तो हम मुझे मुझे ईस्ट में ही जाना पड़ता है मेरे घर को पाने के लिए, ईस्ट को जाना पड़ता है। मैं अभी घर में हूँ तो वहाँ पे एक रोड है, वहाँ पे एक टर्न आता है, तो मुझे वहाँ पे ईस्ट को जाना पड़ता है। तो अब मैं ध्यान में रखूँ क्या ईस्ट कौन सी होती है? नहीं रखे नहीं, मतलब मेरे दिमाग से कभी कभी जाता है, वो जाता है एकदम ब्लास्ट हो जाता है। तो अब मुझे पता है कि कौन सी वेस्ट है, मैंने कंपस देख लिया था, अब कंपस में फिर से एक बार देख लो है ना, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, मुझे आप लर्न हो चुका है ये ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, और तो फिर हमारे दो पिंस फिर से रेडी है, ईस्ट वेस्ट। तो अब हम इन दोनों पिंस को भी इनके इनके डायरेक्शन में चिपका देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये ईस्ट है, तो हम इस मैग्नेट को एकदम ऐसे ही रख देंगे जितनी इनकी पोजीशन है। नॉर्थ नॉर्थ को फेस कर रहा होगा और साउथ साउथ को फेस कर रहा होगा, ठीक। और ये एक मैंने इसे दिया शेप का, तो मैं इसे नीचे से चिपका दूंगा, तो मैं इसे नीचे से चिपकाऊंगा, ये बहुत मुझे इजी पड़ेगा चिपकाना। ओके तो मैंने इसे चिपका लिया, और मैं नीचे से एकदम पट से चिपका रहा हूँ इसे, और ये जल्दी से चिपक गया है, और ये चिपक गया चिपक गया, चिपक जा चिपक जा। बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो रही है गाइस, अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या रुको रुको, मैं से कुछ इस तरीके से इसे करना होगा। ओके हमारा काम हो चुका है गाइस, और आखिर में हमारी तैयार है एकदम कंपास, ओपी वाली कंपास है ये। अब डायरेक्शन देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ बिना देखे बिना देखे बिना देखे रुको, बिना देखे नहीं मतलब मैं कंपास में बिल्कुल नहीं देखूंगा, मैं इस कंपास में देखूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सी करेक्ट डायरेक्शन है। डायरेक्शन है तो ओके, मैं इसे कूल डाउन करूंगा थोड़ी देर के लिए। ओके कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन कूल 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 कूल, या ये साउथ है ये वेस्ट है ये ईस्ट है ये नॉर्थ है,
हो गया, काम हो गया, बहुत इजी था ये, मैं देख लिया ना। मैं इस कंपास पर पूरा विश्वास रखता हूँ क्योंकि मैंने इसे बहुत बार ट्विस्ट भी किया था बहुत बार, लेकिन ये फिर भी सेम ही डायरेक्शन दिखा रहा है, इसलिए मुझे इस पर पूरा विश्वास हो गया। और आप मुझ पर विश्वास ना करें लेकिन साइंस पर तो विश्वास कर सकते हैं ना। तो आज हम आज आज के लिए हम यही रुक जाते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज मत भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर कर नोटिफिकेशंस को ऑल पर कर देना, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बाय बाय।